स्वागत है दोस्तों सुमित गुप्ता गेमिंग में। आखिरकार वो दिन आ ही गया, यूनलिन मैक्स लेवल। सबसे पहले लेवल 12 पे अपग्रेड किया मैंने, और अब सीधे चलते हैं लेवल 13 पे अपग्रेड करते हैं यूनलिन को। कॉइन्स जैसा आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है बैंक ऑफ सुमित गुप्ता गेमिंग में। एट्रीब्यूट्स जैसा आप लोग देख रहे हैं, अटैक डैमेज 556, डिफेंस 660 और शेडो डैमेज 571। मैक्स लेवल यूनलिन। चलते हैं टैलेंट्स के ऊपर। फिफ्थ लेवल जो टैलेंट है वहाँ पे रैबिट ऑफ चेंज लिया मैंने, उसके बाद स्कॉर्चिंग मून बीम, उसके बाद चार्म ऑफ स्पिरिट्स, उसके बाद मूनलाइट सोनाटा और उसके बाद हीलिंग मेलोडी। सबसे पहला अपोनेंट मैक्स लेवल किलर आशु जनरल मार्कस, जो कि ऑल कंज्यूमिंग केओस के साथ गया है, हीलिंग इनविंसिबिलिटी, साथ में एक्सप्लोजिव विल। आई गेस एक्सप्लोसिव विल के जगह पे इसने लास्टिंग इनविंसिबिलिटी लिया है दोस्तों। कंफ्यूज हो गया था मैं, और साथ में जनरस लक भी है। फाइट। और मुझे लगता है मैंने यूनलिन के साथ काफ़ी दिनों बाद गेम खेला है दोस्तों, और काफ़ी बढ़िया लगा उसके साथ खेलने में। मतलब परेशान तो कर सकती है दोस्तों, क्योंकि मैं भी फेस किया हूँ यूनलिन के अपोनेंट्स को, तो ये बात कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, वैरायटी ऑफ अटैक्स उसके पास तभी आता है जब आप ये सब करो, इथरियल टेलीपोर्ट। ये देखिए क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे, हम लोगों ने टेलीपोर्ट किया और मार्कस के अटैक को सीधे अवॉइड किया। और जो रैबिट ऑफ चेंज टैलेंट है मैक्स लेवल, जो 10th लेवल पे जो आता है, जो लास्ट ईयर का टैलेंट है, मुझे लगता है कि अगर आपके पास पूरा शेडो बार फुल है तो आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कॉर्नर पर अगर आप कभी यूनलिंग के साथ खेल रहे हो और अपोनेंट को अगर थ्रो करते हो, तो थ्रो करने के बाद आप अगर बेसिक अटैक करोगे तो वो इजीली कनेक्ट हो जाएगा, चाहे वो कोई भी अपोनेंट क्यों ना हो। दिखाऊंगा मैं इस गेम प्ले में आप लोगों को। और यहाँ पे थोड़ी सी टाइमिंग की गलती होगी दोस्तों, मार्कस का इनविंसिबिलिटी ने फर्स्ट राउंड में हरा दिया यूनलिन को। कोई बात नहीं, चलते हैं कमबैक की तरफ। ये नया लोकेशन का जो म्यूजिक है वो मुझे काफ़ी पसंद है दोस्तों, लास्ट ऑफ अस के ओपनिंग थीम जैसा लगता है मुझे। और यूनलिन मुझे लगता है दोस्तों टीम में रखने लायक हीरो है फिलहाल के लिए, जैसा अभी हम लोग का रैंक्ड सिस्टम है और जैसे प्लेयर्स मिलते हैं। एनॉय करने के लिए काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि यूनलिन का मुझे सबसे खास चीज़ क्या लगता है कि अगर लो हेल्थ हो और शेडो एनर्जी हम लोग सभी जानते हैं कि बहुत जल्दी गेन कर लेती है, तो जो हीलिंग वाला टैलेंट है वो काफ़ी ज़बरदस्त है इसका। और यहाँ पे काफ़ी बेहतर तरीके से खेल रहा है मार्कस के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने बेसिक अटैक इस्तेमाल किया। यहाँ पे टाइमिंग का थोड़ा देखिए, वो थोड़ा सा वेट किया इथरियल ख़त्म होने का, उसके बाद उसने हार्पून अटैक किया और कनेक्ट भी हो गया। यहाँ पर मेरी इथरियल कनेक्ट हुई, लेकिन मैंने गलत अटैक वहाँ पे एग्जीक्यूट किया जो कि स्पिनिंग अटैक था। यहाँ पे अप अटैक, टेलीपोर्ट, स्टन। यहाँ पे देखिए हेल्थ रिजनरेशन, काफ़ी ज़बरदस्त रिजनरेशन है। मुझे मार्कस की याद दिलाता है जब मार्कस शुरू में जब हेल्थ रिजनरेट करता था इनविंसिबल में, सेम अमाउंट ऑफ इनविंसिबिलिटी में हेल्थ रिजनरेट अब यूनलिन भी करती है दोस्तों। अगर दो बार आप इस्तेमाल करो तो आपका मतलब 25% ऑफ हेल्थ जो है वो रिकवर हो जाएगा, और हो भी सकता है बिल्कुल दोस्तों, अगर आप एक बार स्टन करो और दो बार शेडो मूव हीलिंग वाला एग्जीक्यूट करो तो वो कनेक्ट होगा ही दोस्तों। अपोनेंट आराम से तब तक सोचेगा दोस्तों ख्यालों में, और हम लोग अपने आप को रिकवर कर लिए होंगे। लो अटैक कनेक्ट हुआ, एथीरियल ग्रैब, उसका शेडो बार फुल है, मुझे थोड़ा बच के रहना होगा। टेलीपोर्ट करते हैं, और जी हाँ दोस्तों, सही एग्जीक्यूशन, सही इंस्टिंक्ट मेरा। रिसेप्ट है थोड़ा देर के लिए, जी हाँ, उसको ग्रैप करने का इजी मौका दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ पे उसने ग्रैप किया नहीं, पता नहीं किस चीज़ का वेट किया वो। और स्कॉर्चिंग मून बीम जैसा आप लोग देख रहे काफ़ी इफेक्टिव है दोस्तों। ये देखिए स्कॉर्चिंग मून बीम अगर आप दो जगह सेट करते हो तो मुझे लगता है अच्छा खासा हेल्थ जो है अपोनेंट का आप माइनस कर सकते हो, जो फायर इफेक्ट है। चलते हैं एक और अपोनेंट की तरफ, और जो कि है वेनम, युग का प्लेयर है, लेवल 11 का। मैच मेकिंग के बारे में आप लोग को तो पता ही है दोस्तों, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप गेम प्ले को सीरियली देखो तो शुरुआत मैंने किया था मार्कस से, अगर उसका ट्रॉफी देखो तो 650 से 660, 660 से 670 एक और प्लेयर था, उसका गेम प्ले मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। और 660 से अभी आप सामने देख रहे हो युका के साथ, आई थिंक 670 है। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग गलती, नहीं तो इथरियल कनेक्ट हो जाता। युका का भी अगर आप अटैक्स देखो तो शॉर्ट रेंज में काफ़ी इफेक्टिव है, और कुछ दिन पहले मैंने क्रिटिकल के ऊपर वीडियो बनाया था जहाँ पे शेड्स रिवेंज और
युका का जो टीम वर्क है उसके प्लेयर्स कैसे परेशान कर सकते हैं उस चीज़ को लेके भी, और एक फाइट पास के ऊपर वीडियो के बारे में आप लोग से वादा किया हूँ दोस्तों, तो आज ही लाने वाला था लेकिन फिर सोचा कि यूनलिंग के ऊपर वीडियो काफ़ी दिन से पेंडिंग, आई थिंक ये 3-4 दिन से मेरे पास पेंडिंग पड़ा हुआ था दोस्तों। शैडो फाइट 3 के प्रोजेक्ट्स में मैं बिज़ी था, जो नया इवेंट आया है बुचर वाला, तो सोचा कि कल सैटरडे है ये वाला वीडियो अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे सोचा मैं अवॉइड कर दूंगा क्राउच करके जब वो हेल्थ जनरेट करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए ग्रैब करके ख़त्म करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। आई थिंक ये फाइनल राउंड होना चाहिए फाइट। इस बार लो अटैक से शुरुआत की है और क्रिटिकल था, टेलीपोर्ट, थोड़ा सा टाइमिंग का गलती या नहीं तो वहाँ पे वो कनेक्ट हो जाता है अटैक, या फिर ग्रैब कर लेते। इस बार एथेरियल अब ग्रैब करेंगे साथ में अप अटैक। अप अटैक करने के बाद अगर आप कॉर्नर पे वॉल पे हो तो बेसिक अटैक कनेक्ट हो जाता है दोस्तों, जैसा मैं वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को बताया था, करके दिखाऊंगा। आई थिंक इसके बाद वाले गेम प्ले में करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ये ओपोनेंट ख़त्म है और यूनलिन काफ़ी इफेक्टिव है मेरे ख्याल से, आप लोग भी चाहो तो टीम में रख सकते हो दोस्तों। हाँ, परेशान करने के लिए सिर्फ उन लोगों को जो उनके हकदार है, ऐसे नॉर्मली भी खेल सकते हैं। उसका जो टैलेंट्स है डिस्पेयर है, साथ में फ्रेश कारका, स्लॉटर हाउस, डीमन फ्लैश और डिसमेंबरमेंट। बुजर का जो हेल्थ है लगभग दोस्तों सेम यूनलिन जैसा ही, अगर आप क्लोजली देखो तो 6597 यूनलिन है और 6670 बुचर है, और दोनों के पास हीलिंग का एक एबिलिटी है दोस्तों। बुचर 30% पे हील कर सकता है सक्सेसफुल अटैक्स पे, और यूनलिन ऑब्वियसली अपने शेडो मोब्स के थ्रू यूनलिन हील कर सकते हैं। जो कॉर्नर पे आप लोगों को बताया था दोस्तों, जैसे आप लोग गौर किए होंगे अप अटैक के बाद बेसिक कैसे कनेक्ट हो जाता है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक चीज़ मैंने नोटिस किया हूँ, काफ़ी इफेक्टिव है बुचर के खिलाफ यूनलिन दोस्तों। आप शेडो केज अवॉइड कर सकते हो बहुत ईजिली। यहाँ पे देखिए स्कॉर्चिंग मून बीम का आप लोगों को फ़ायदा दिखाते, कितने जल्दी हेल्थ जो है वो ड्रेन कर रहा है दोस्तों। जैसे आप लोग देखें कि बुचर का हेल्थ हम लोग कैसे ख़त्म किए हैं, और पहले राउंड के लिए बुचर भी ख़त्म है, तो यूनलिन आई थिंक बुचर के खिलाफ, आई थिंक मुझे लगता है अजूमा को छोड़ के यूनलिन सब हीरो के सामने इफेक्टिव है, और कैंपर्स के खिलाफ, पैसिव प्लेयर्स के खिलाफ सरप्राइज कर सकते हैं। हाँ, जो प्लेयर्स जानते हैं खेलना आई गेस वो अवॉइड कर सकते हैं यूनलिन को, लेकिन हाँ जो नहीं जानते, जो स्ट्रैटेजी जिनकी रहती है रगड़ने में, उनके खिलाफ काफ़ी इफेक्टिव यूनलिन। और यहाँ पे मौका दे दिए, उसका ब्लॉक जो है वो कनेक्ट हो गया, और हेल्थ जैसा आप लोग देख रहे हैं बुचर का केज में डैमेज कितना ज़बरदस्त रहता है। यहाँ पे स्टन, जब किक और ग्रैब करने का मौका दे दिया, उसका हेल्थ, उसका शेडो बार आ गया है, और मुझे लगता है जी हाँ, चलिए किसी तरह फंसाए तो उसको, लेकिन स्टन एबिलिटी कनेक्ट हुआ नहीं, कोई बात नहीं, डिसाइसिव राउंड पे ख़त्म करते हैं। ये है राउंड 3 फाइट। अब यहाँ पे इसका जो रवैया है खेलने का थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पे देखिए रेंज ज़्यादा नहीं था, नहीं तो वहाँ पे वो बेसिक अटैक कनेक्ट हो जाता, जो आप लोग को बताया था, कॉर्नर पे थ्रो करके अप अटैक, उसके बाद बेसिक, अच्छा हेल्थ जा सकता है। यहाँ पे दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए अप अटैक, आप देखिएगा बेसिक कितना ईजिली कनेक्ट होता है, या आप किसी भी हीरो के साथ ट्राई कर लो ये कनेक्ट होगा ही। अब गौर फरमाइएगा कैसे हम लोग केज को इवेड करते हैं दोस्तों। ये देखिए स्टन खत्म, ग्रैब, स्कॉर्चिंग मूनबीम का फायदा, और बुचर बेबस हो गया दोस्तों, और स्कॉर्चिंग मूनबीम से ये बुचर खत्म है। आशा करता हूँ दोस्तों यूनलिन मैक्स लेवल के ऊपर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। फिर मिलूंगा बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।